हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास सेवन्थ का वाटर स्कैरिसिटी एंड कंजर्वेशन। ये हमारे चैप्टर का नाम है कि वाटर का अभाव, पानी का अभाव और उसका संरक्षण। तो इस चैप्टर में हम किस किस के बारे में पढ़ेंगे? वाटर अ नेचुरल रिसोर्स, फॉर्म्स ऑफ वाटर, अवेबिलिटी ऑफ वाटर, प्रिसिपिटेशन, स्कैसिटी ऑफ वाटर एंड वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। आपको पता है जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, चाहे ह्यूमन बींग्स हो, ये सब अब सर्वाइव करने के लिए नेचुरल रिसोर्स पर डिपेंड होते हैं। इनको ज़रूरत होती है नेचुरल रिसोर्स की, कौन कौन से, चाहे वो एयर हो, वाटर हो, ट्रीज हो, सन हो, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिनको जिनके ऊपर हम डिपेंड हैं। नेचुरल रिसोर्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड दे आर फाउंड इन द फॉलोइंग एरियाज ऑफ अर्थ। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं और अलग अलग एरिया में पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर ऐसा एरिया होता है अर्थ का जिसमें जो सॉलिड पार्ट्स हैं, अर्थ क्रस्ट जो है वो, जैसे चाहे वो चट्टाने हो, माउंटेन्स हो, ठीक है, तो जो भी जितना भी सॉलिड पार्ट जो है वो लिथोस्फेयर में होता है। सेकंड है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, मतलब जो भी वाटर बॉडीज़ वाला एरिया है, चाहे वो सीज हो, ओशियंस हो, लेक्स हो या पॉन्ड्स हो, तो वो कौन से एरिया में आती है, हाइड्रोस्फेयर में। नेक्स्ट है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में कौन कौन से आएंगे, जितनी भी गैसेस हैं वो सब एटमॉस्फेयर में आती है। द गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, जितनी भी गैसेस हैं जो अर्थ पर चारों तरफ फैली हुई है वो आती है एटमॉस्फेयर में। ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज़, इन जिनका जो यूज़ है उनके बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरी में। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू कैटेगरीज, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो फर्स्ट है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। द नेचुरल रिसोर्सेज दैट नेवर गेट एग्जॉस्टेड और आर रिप्लेस्ड विद इन अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे सोर्सेज या ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जिनको ना तो हम बना सकते हैं और ना ही हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं, तो ऐसे सोर्सेज को कहा जाता है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल दे रखा है एयर, वाटर एंड सनलाइट। ये एक ऐसे एग्जांपल है, जैसे सनलाइट है, सनलाइट को हम रिप्लेस नहीं कर सकते और ना ही उसको एग्जॉस्टेड कर सकते हैं। इनका एक रीजनेबल टाइम पीरियड होता है, ठीक है, जिसमें हम उनको ना तो रिप्लेस कर पाएंगे और ना ही एग्जॉस्टेड कर पाएंगे। नेक्स्ट है नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। द नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर एग्जॉस्टेबल आर कैन बी यूज्ड ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये क्या है, जस्ट अपोजिट है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स से। इसमें क्या होता है कि आप उनको रिप्लेस भी कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनका एक बार यूज़ करो, आप ज़्यादा बार भी यूज़ कर सकते हो इनको, ठीक है। और क्या है, ये एग्जॉस्टेबल भी होते हैं। जैसे इनके एग्जांपल दे रखे हैं कोल, पेट्रोलियम, कोयला है, पेट्रोलियम है, इनको बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं लेकिन ये बन सकते हैं, ठीक है। और जैसे कोल है, इनका हमने एक बार यूज़ कर लिया तो अब हम उसका दोबारा यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन सनलाइट है, उसका हमने आज यूज़ कर लिया तो हम उसका कल भी यूज़ कर पाएंगे। तो ये क्या होते हैं, इनका सिर्फ एक बार ही यूज़ किया जा सकता है। बट देयर आर सम रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर दैट आर एग्जॉस्टेबल। लेकिन जैसे वाटर है वो एग्जॉस्टेबल होता है। दिस मीन्स द वाटर इज़ अ रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज़ यूज फास्टर दैन इट इज़ रीन्यूड, ठीक है। इनका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है, लेकिन जब ये इनका नया बनना जो स्पीड है वो कम होती जा रही है, मतलब इनकी उत्पादकता तो जो है वो तो कम होती जा रही है लेकिन इनका जो यूज़ है वो बढ़ता जा रहा है। दैट इज़ वाई द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ गोइंग डाउन। और इसी कारण क्या हो रहा है, जो वाटर ग्राउंड का लेवल है, वाटर का जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हम इनका इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं
और इनका जो बनने का टाइम है वो कम होता जा रहा है। वाटर इज़ द मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंस ऑन द अर्थ सरफेस। पानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला सब्सटेंस है अर्थ पर। प्योर वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज pH ऑफ प्योर वाटर इज 7। जो प्योर वाटर होता है, एकदम प्योर होता है, जिसमें कोई भी किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, वो एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब प्योर वाटर में से आप इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाओगे। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमने तो सुना है कि जो वाटर है उनमें से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं। हाँ, हम करवा सकते हैं, लेकिन अगर प्योर वाटर है, उसमें किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तो उसका जो pH मान है वो कितना होता है? 7। 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। उस पर कोई भी चार्ज नहीं है, और अगर उस पर चार्ज नहीं है, उस पर आयंस ही नहीं है, तो आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवा पाओगे। इट मीन्स नो आयंस एंड नो चार्ज। वॉटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो वाटर है वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्सटेंस है, क्योंकि ये प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी होता है, एनिमल्स के लिए भी ज़रूरी होता है, और ह्यूमन बींग्स के लिए भी ज़रूरी होता है। आप इनके बिना सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वाटर इज़ ए एम्फोटेरिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। वाटर एक एम्फोटेरिक होता है। इसका यूज़ एम्फोटेरिक क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे ये क्या होता है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं, और इसका जो pH का मान है वो 7 होता है, इसलिए इसको कहा गया है एम्फोटेरिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अब है फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर की क्या क्या फॉर्म्स होती है? आपने देखा होगा कि वाटर जो है वो तीनों फॉर्म में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में कैसे रहेगा? जब वाटर को हम बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम उस सॉलिड फॉर्म को थोड़ी सी हीट देंगे या टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ तो क्या हो गई, दो फॉर्म हो गई, सॉलिड और लिक्विड। जैसे ही आप पानी को गर्म करते हो तो क्या होता है, उसकी वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है, मतलब पानी जो है वो गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वाटर जो है वो तीनों फॉर्म में रहता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमारे पॉइंट्स देखते हैं। वाटर ऑक्यर्स इन नेचर बोथ इन द फ्री एज वेल एज इन द कम्बाइंड फॉर्म। ये फ्री फॉर्म में भी रहते हैं और कम्बाइंड फॉर्म में भी रहते हैं। फ्री वाटर ऑक्यर्स एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर फ्री फॉर्म में है तो वो सॉलिड भी बन सकता है, लिक्विड भी बन सकता है और गैस में भी चेंज हो सकता है। दीज आर कॉल्ड थ्री स्टेट ऑफ वाटर। दीज थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर कैन बी चेंज्ड इनटू ईच अदर बाय चेंजिंग टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, इस तरह से ये चेंज हो सकती है। ऑन हीटिंग, जब हम हीट देते हैं तो आइस चेंजेस इनटू वाटर। आइस जो है वो वाटर में चेंज हो जाती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेल्टिंग प्रोसेस भी कहते हैं। ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम या वेपर। जैसे जब हम हीट देते हैं वाटर को, लिक्विड फॉर्म में जब वाटर होता है, जब हम उसको हीट देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, स्टीम में या वेपर में। इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन कूलिंग। जब हम टेम्परेचर कम करते हैं, कूल करते हैं, तो वाटर जो है वो आइस में चेंज हो जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ गया। इसको हम फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड जो है, सॉरी, ऐसा पॉइंट जिस पर कोई लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ऑन कूलिंग स्टेम्स चेंजेस इनटू वाटर। और जब हम बहुत ज़्यादा कूल करेंगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम करेंगे, तो जो जो वेपर है उसको वापस लिक्विड फॉर्म में भी लाया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। सच चेंजेस ऑफ एनी फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर इनटू अनदर एंड बैक बाय चेंजेस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर। जैसे हमने एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज किया तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट्स। इन द सॉलिड फॉर्म वाटर ऑक्योर्स ऑन द अर्थ एज स्नो एंड आइस प्रेजेंट एज आइस कैप्स एट द पोल्स ऑफ द अर्थ, स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स। अगर वाटर सॉलिड फॉर्म में रहता है
तो वो स्नो के रूप में या आइस के रूप में रहता है। जो अर्थ है उसमें जो पोल्स हैं वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे माउंटेन्स हैं जहाँ वो स्नो से कवर्ड रहते हैं, या ग्लेशियर्स हैं जो स्नो से कवर्ड रहते हैं। तो अगर सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है तो वो आइस या फिर स्नो के रूप में रहता है। इन द लिक्विड फॉर्म वाटर ऑक्यर्स एज वाटर प्रेजेंट इन ओसीन्स, लेक्स, रिवर्स एंड अंडरग्राउंड। अगर लिक्विड फॉर्म में वाटर पाया जाता है तो लिक्विड फॉर्म में कहाँ कहाँ है वाटर, ओसीन्स में जो बड़े बड़े समुद्र हैं, लेक्स, झीलें हैं, नदियाँ हैं, या जो अंडरग्राउंड वाटर है वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। इन द गैसियस फॉर्म वाटर इज प्रेजेंट एज वेपर इन द एटमोसफियर। गैसियस फॉर्म में वेपर की तरह होता है ये। दीज थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर अंडर गो कंटिन्यूस साइक्लिंग टू कीप द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ कॉन्स्टेंट। ये क्या है, ये फॉर्म्स हैं लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। और जो पूरा ये जो साइकिल है, ये साइकिल बन रहा है, मतलब लिक्विड से गैस में जाना, गैस से सॉलिड में होना, सॉलिड से लिक्विड होना, ये एक तरह से साइकिल चलता रहता है, ठीक है। लेकिन जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है वो कॉन्स्टेंट है। सच अ कंटिन्यूस साइकिल ऑफ वाटर इज नेचर इन नेचर इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ये जो कंटिन्यूस साइकिल है, मतलब जैसे हम चेंज कर रहे हैं सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, तो ये एक साइकिल चल रहा है, एक चक्र चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। अब है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नियरली थ्री फोर्थ्स ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। अर्थ का जो थ्री फोर्थ पार्ट है, मतलब एक में से जब आप थ्री फोर्थ माइनस करोगे तो जो थ्री फोर्थ पार्ट है, इतना जो पार्ट है वो पूरा किससे कवर है, वाटर से कवर है। और हमारे जो रहने लायक है वो 1/4 पार्ट ही है। ऑलमोस्ट 97.5% ऑफ दिस अवेलेबल वाटर इज सॉल्टी एंड इज देयर फॉर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और इसमें से ये जो थ्री फोर्थ पार्ट है वाटर का, इसमें से 97.5% जो वाटर है वो सॉल्टी वाटर है या नमकीन वाटर है, जो हमारी बॉडी या ह्यूमंस जो हैं उनके लिए सही नहीं है, अनफिट रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, समुद्र वगैरह में पाया जाता है। द रिमेनिंग 2.5%। अब 97.5% तो क्या हो गया, सॉल्टी वाटर हो गया। अब जो 2.5% बचा है वो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है। और बस इतना ही है, ये 2.5% जो है यही पीने लायक होता है। इसमें से भी कई तो रिवर में होता है, कई लेक में होता है, कई अंडरग्राउंड होता है। तो देखते हैं, फ्रेश वाटर इज़ अ मेजर पोर्शन इज फ्रोजन इन ग्लेशियर्स एंड इन द पोलर आइस कैप्स। इनमें भी क्या होता है, ये जमे रहते हैं ग्लेशियर या फिर पोलर आइस कैप्स के रूप में। ओनली 0.8% ऑफ दिस 2.5% फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एज रिवर वाटर, लेक वाटर एंड अंडरग्राउंड। अब देखो, अब ये क्या है, ये जो वाटर है 2.5%, इस 2.5% का भी जब आप 0.8% निकालोगे तो सिर्फ इतना सा पानी रहता है रिवर वाटर के लिए, लेक वाटर के लिए और ग्राउंड वाटर के लिए। एंड इज़ यूज़फुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। और सिर्फ इसी को जो ह्यूमन्स बींग हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं। अब है ऑलमोस्ट 97.5% ऑफ टोटल वाटर इज सॉल्टी वाटर। ये आपने पढ़ा कि जैसे पूरा 100% है, 100% में से 97.5% क्या है, सॉल्टी वाटर है, और 2.5% फ्रेश वाटर है। अब देखो, ये जो 2.5% फ्रेश वाटर है इसकी बात कर रहे हैं हम। 68.7% ऑफ फ्रेश वाटर इज इन आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स फॉर्म। इसमें से ये जो 2.5% है इसका 68.7% क्या है, आइस कैप या ग्लेशियर के रूप में है। 30.1% अंडरग्राउंड वाटर है एंड 0.9% अदर वाटर है। जो सरफेस वाटर है 0.3% वो क्या है, उसमें 87% जो लेक वाटर होगा, 11% स्वैम्स एंड 2% रिवर वाटर होगा। द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर आर, इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, हमें किस तरह से पानी मिल सकता है। तो फर्स्ट है रेन वाटर, पानी की जो बूंदे, वर्षा की जो बूंदे हैं उससे मिल सकता है। सरफेस वाटर से, जो जितना भी सरफेस है उस पर जो वाटर अवेलेबल है उससे मिल सकता है। रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम से मिल सकता है। सीज या ओसीन से मिल सकता है। और ग्राउंड वाटर, ये चार सोर्सेज होते हैं
वाटर प्राप्त करने के। फर्स्ट है रेन वाटर। रेन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द वाटर। रेन वाटर इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो रेन वाटर होता है वो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की। तो इसमें क्या बताया गया है, इट गेट्स पॉल्यूटेड विथ डस्ट पार्टिकल्स एंड सम डिजॉल्व गैसेस सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। रेन वाटर जो है वो कब, वैसे तो ये प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की, लेकिन ये पॉल्यूट हो जाता है कब, जब इसमें डस्ट पार्टिकल्स या कुछ अदर गैसेज हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, जब ये गैसेज, इस तरह की गैसेज जो है वो उसमें मिल जाती हैं तो ये पॉल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है सरफेस वाटर। सरफेस वाटर इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, ओशियंस एंड सीज। ये पांच तरह की फॉर्म होती है, रिवर, लेक, स्ट्रीम, सीज एंड ओशियन, जिनमें सरफेस वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम्स की। वाटर प्रेजेंट इन दीज वाटर बॉडीज कम्स फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन्स एंड फ्रॉम रेन। क्या होता है, जैसे जो माउंटेन्स है जब वो मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं तब पिघलकर जो वाटर है वो ज़मीन पर आने लगता है, या फिर जैसे बारिश होती है तब वाटर ज़मीन पर आता है। अलॉन्ग इट कॉर्सेज वाटर ट्रेवल्स थ्रू हिल्स एंड प्लेन्स एंड बिकम इम्प्योर। क्या होता है, जैसे ये हिल से होकर आ रहा है, प्लेन से होकर आ रहा है, तो क्या होता है, वाटर इम्प्योर हो जाता है। इट कंटेंस डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, और इसमें सॉल्ट्स घुल जाते हैं, इम्प्योरिटीज़ घुल जाती है। सीज एंड ओशियंस। सीज एंड ओशियंस कवर अबाउट 70% ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ का जितना भी सरफेस है उसमें से 70% क्या है, सीज और ओशियंस हैं। वाटर प्रेजेंट इन सीज एंड ओशियंस कंटेंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स, और इन समुद्रों में क्या होता है, लार्ज अमाउंट में सॉल्ट घुला हुआ रहता है, इसीलिए कहा जाता है कि समुद्र का पानी खारा होता है। रिवर्स अल्टीमेटली फ्लो इनटू सी एंड ऐड डिजॉल्व सॉल्ट्स इनटू इट। जो नदियां हैं वो क्या होती है, जब फ्लो करती हुई इन समुद्र में घुल जाती है तो क्या होता है, उनमें भी सॉल्ट घुल जाता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट दिस वाटर इज सॉल्टी एंड इज कॉल्ड सैलाइन वाटर, और इसीलिए इनको सैलाइन वाटर कहा जाता है, क्योंकि इन पानी में सॉल्ट घुला हुआ रहता है। तो जिस पानी में सॉल्ट घुला हुआ रहता है उसको सैलाइन वाटर कहते हैं। इट इज़ अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, इरिगेशन एंड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, और ये अनफिट रहता है, अनहेल्दी रहता है पीने में भी, वॉशिंग करने में भी, इरिगेशन और इंडस्ट्रियल पर्पस से भी। अब है ग्राउंड वाटर। सम पार्ट ऑफ रेन वाटर गोज इनटू द सॉइल इनटू द नॉन पोरस रॉक्स बीनीथ एंड सीप्स अंडर द ग्राउंड। दिस इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर और अंडरग्राउंड वाटर। जैसे बारिश होती है तो बारिश जब होगी तो मिट्टी जो है वो अपने अंदर पानी को सोख लेती है, ठीक है। जैसे चट्टाने हैं जिनमें पॉर्स होते हैं, मतलब छेद जो होते हैं, वो इनको अब्जॉर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं। तो ऐसे पानी को जो ज़मीन के नीचे हैं, जो मिट्टी के नीचे हैं, उनको कहा जाता है ग्राउंड वाटर या अंडरग्राउंड वाटर। द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इज़ कॉल्ड द वाटर टेबल, और ये जो लेवल है ग्राउंड वाटर का उसको वाटर टेबल कहा जाता है। द लेवल ऑफ वाटर टेबल इज़ वेरिएबल, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड सीजन, और ये किस पर बेस रहता है, किस पर वेरी करता है, प्लेस और सीजन्स पर। द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर डीप बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, और ये जो प्रोसेस है वाटर को सीप करने की उसको बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस एंड रिचार्जेस द ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर इज प्योर एज इट गेट्स फिल्टर्ड थ्रू मैनी लेयर्स ऑफ सैंड, रॉक्स एंड सॉइल, और ये जो अंडरग्राउंड वाटर रहता है वो प्योर वाटर होता है। क्यों, क्योंकि सॉइल की अलग अलग लेयर से छनता हुआ नीचे तक जाता है, उसमें सैंड भी होते हैं, रॉक्स भी होती है और सॉइल्स भी रहते हैं, जिनसे ये छनते हुए नीचे तक जाता है, ग्राउंड तक जाता है। इट कंटेंस डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड इज फ्री फ्रॉम सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, और ये जो है इसमें सॉल्ट डिजॉल्व नहीं रहता है, और क्या होता है, ये फ्री रहता है इम्प्योरिटीज से।
द ग्राउंड वाटर मे रन अलॉन्ग द सर्फेस ऑफ नॉन पॉरस रॉक्स एंड कम आउट ऑफ द सर्फेस विद प्रेशर फ्रॉम एनी ओपनिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्प्रिंग. इट इज कॉल्ड स्प्रिंग वाटर और नेचुरल स्प्रिंग. ये जो ग्राउंड वाटर है वो कब बाहर आता है? स्प्रिंग के टाइम में बाहर आता है, इसलिए इसको स्प्रिंग वाटर या नेचुरल स्प्रिंग कहा जाता है. द पूल ऑफ वाटर ऑब्टेंड बाय डिगिंग द सॉइल टिल द इम्प्रीवियस लेयर इज कॉल्ड वेल वाटर. ग्राउंड वाटर कैन ऑल्सो बी ऑब्टेंड फ्रॉम द ट्यूब वेल्स और हैंड पम्प्स. और ये जो ग्राउंड वाटर है इसका हम यूज़ किस तरह से करते हैं? ये हमें मिलता है ट्यूब वेल्स, हैंड पम्प्स या नल वगैरह से. At many places, groundwater is present between the layers of hard rocks below the water table and is called an aquifer. बहुत सारी ऐसी जगह भी होती है जो ग्राउंड वाटर है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? वो लेयर्स के बीच में जो हार्ड रॉक्स होती हैं, जो मतलब हार्ड चट्टाने होती हैं, उनके बीच में ये रहता है, तो इसलिए इसको एक्विफर भी कहते हैं. द वाटर प्रेजेंट एंड एक्विफर्स इज पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूब वेल्स और हैंड पम्प्स. और इनके बीच में से पानी हमें किस तरह से मिलता है? ट्यूब वेल्स और हैंड पम्प्स की हेल्प से. द वाटर सप्लाई इन द मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज इज मेंटेन्ड बाय सिविक बॉडीज सच एज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन. आपने देखा होगा कि ऐसे कई ऐसे टाउन हैं या कई ऐसे सिटीज़ हैं जिन पर ये जो वाटर का सप्लाई है, वाटर सप्लाई सिस्टम है, वो कौन देखता है? म्यूनसिपल कॉरपोरेशन देखता है. Water is drawn from nearby rivers, lakes, ponds or wells and supplied through a network of pipes. और ये river की form में रहते हैं, मतलब river में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, झीलों में, ponds में और wells, कुओं में रहते हैं. और इनको किस तरह से supply किया जाता है? इनको एक network होता है pipes का जिनसे इनको supply किया जाता है. सच अ वाटर सप्लाई सिस्टम इज़ नॉट प्रजेंट इन मैनी विलेजेस. लेकिन अभी भी कई ऐसे विलेज हैं, कई ऐसे गाँव हैं जिन पर ये सिस्टम जो है वो नहीं काम करता. तो ऐसी जगह पर वाटर किससे मिलता है? ये ट्यूब वेल से, हैंडपम्प से, जो कुएँ हैं उनसे ये गाँव में यूज़ किया जाता है वाटर निकालने के लिए. At many places, women and even children have to walk several kilometers to fetch water. और कई जगह पर तो ना हैडपम्प होता है, ना ट्यूब वेल्स होता है, तो ऐसी जगह पर वाटर कहाँ से मिलता है? उनको कई दूर तक चलना पड़ता है, चाहे वो वुमन हो या चिल्ड्रन हो, उनको कई किलोमीटर चलना पड़ता है पानी तक पहुँचने के लिए. हो सकता है दूसरे गांव में हो तो उनको दूसरे गांव तक भी जाना पड़ता है. तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कई जगह तो पानी की बहुत ज़्यादा अधिकता है और कई जगह बहुत ज़्यादा कमी है. तो हमको क्या करना है? वो बैलेंस करना है और वाटर जितना हो सके उतना उसका कंजर्वेशन करना है या उसको बचाना है. अब है सरफेस वाटर. सरफेस वाटर सोर्सेज मेट डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर नीड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. जो सरफेस वाटर है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है डोमेस्टिक और एग्रीकल्चर में. डोमेस्टिक मतलब जैसे हम रोज के लिए यूज़ करते हैं ना पानी, और जैसे एनिमल्स के लिए, ठीक है, प्लांट्स के लिए, एग्रीकल्चर कृषि के लिए. तो ये सबसे ज़्यादा इंडिया में सरफेस वाटर का यूज़ यहीं होता है. इट वुड एक्चुअली बी बेटर टू प्ले स्ट्रीम्स एंड टैंक्स अंडर सरफेस वाटर रिसोर्सेज इन द हिमालयन स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड द नॉर्थ ईस्ट. माउंटेन स्ट्रीम्स एंड ग्लेशियर्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर. अब इंडिया में सबसे ज़्यादा सोर्सेज कौन से हैं वाटर के? जो हिमालयन स्टेट्स हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, और जो नॉर्थ ईस्ट माउंटेन स्ट्रीम्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये मेन सोर्सेज हैं वाटर के. तो आज की क्लास में हमने वाटर का जो स्कैर्सिटी है, सरफेस वाटर है, ये कौन कौन से फॉर्म में रहता है, इनके बारे में पढ़ा. नेक्स्ट क्लास में हम इनके कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे. तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.